हेलो बच्चों, आप सबको रानी आंटी की ओर से जय मसीह की। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम प्रार्थना करने के विषय में कुछ बातों को सीखेंगे। बच्चों, आप सब प्रार्थना करते होंगे घर में। हम परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं, अकेले में प्रार्थना करते हैं, खाना खाते समय प्रार्थना करते हैं, है ना बच्चों? हाँ बच्चों, हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना के विषय में बाइबल बहुत सारी बातों को हमें सिखाती है। हाँ बच्चों, प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु से बातचीत करते हैं। जब हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु से मांगते हैं, अर्थात हम प्रभु पर अपने विश्वास को प्रकट करते हैं कि आप हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। आज हम दानियल नबी के जीवन से प्रार्थना के विषय में कुछ बातों को सीखेंगे। बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया और कुछ लोगों को वहां से बंदी बनाकर लाया। उनमें से एक दानियल था। बच्चों, आज हम जिस घटना के विषय में चर्चा करेंगे वह बाइबल में दानियल की पुस्तक 6 अध्याय में पाई जाती है। दानियल बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान था। वह परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था और अपने जीवन में नियमित रूप से वह प्रार्थना करता था। हाँ बच्चों, हमें भी नियमित रूप से प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर हमें बहुत सारे ज्ञान, बुद्धि और उत्तम जीवन से परिपूर्ण करेंगे। बच्चों, जब राजा ने दानियल को एक बड़े पद पर नियुक्त किया, तब ना बहुत सारे लोग दानियल से बैर रखने लगे और वे लोग दानियल के खिलाफ दोष ढूंढने लगे। दानियल तो नियमित रूप से प्रार्थना करता था ना, इसलिए वे लोग जाकर राजा से कहने लगे, हे राजा, आप ऐसा आज्ञा निकालिए कि 30 दिन तक कोई भी आपके सिवा किसी से प्रार्थना नहीं करेगा। हाँ बच्चों, राजा भी सहमत हो गया और ऐसी आज्ञा पत्र निकालकर उसमें अपने हस्ताक्षर भी कर दिए। अब यह आज्ञा सबके साथ साथ दानियल के पास भी पहुँचा, परंतु दानियल अपना नियम को नहीं छोड़ा। वह परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया और वह जाकर फिर से प्रार्थना करने लगा। दानियल अपने नियम के अनुसार प्रार्थना कर रहा था। इसे वे लोग जो उससे बैर रख रहे थे, वे लोग देखे और उन्होंने जाकर राजा से फिर से बताया कि हे राजा, दानियल तो आपके नियम के विरुद्ध प्रार्थना कर रहा है। यह सुनकर राजा बहुत उदास हुआ, क्योंकि राजा जानता था दानियल एक परमेश्वर का भय मानने वाला भला व्यक्ति है। राजा बड़े उदास मन से दानियल को सिंह के माद में डालने के लिए आज्ञा दे दी। राजा की आज्ञा के अनुसार दानियल को सिंहों के माद में डाल दिया गया। परंतु बच्चों, आपको पता है, दानियल को जब सिंहों के माद में डाला गया तो परमेश्वर उसकी रक्षा की। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। सिंहों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह रात भर सिंहों के मान में सिंहों के साथ बिल्कुल सुरक्षित रहा। परंतु राजा को रात भर नींद नहीं आई। उसे दानियल की बहुत चिंता थी कि उसका क्या हुआ होगा। बच्चों, राजा सुबह उठते ही सबसे पहले सिंहों के मान के पास गया। वहाँ पहुँच कर राजा से कहा, सबसे पहले यहाँ से पत्थर हटाओ। कर्मचारियों ने गुफा पर रखे हुए पत्थर को हटाया। तब राजा ने बड़े दुख भरी आवाज से पूछा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर, जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तुझे सिंहों से क्या बचा सका? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हाँ बच्चों, उसके बाद दानियल को वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया। दानियल के जीवन में परमेश्वर के अद्भुत काम को देखने के बाद राजा ने एक नया आदेश निकाला। सारे पृथ्वी पर रहने वाले देश देश के, जाति जाति के और भिन्न भिन्न भाषा वाले बोलने वाले सभी लोग दानियल के परमेश्वर का भय मानेंगे, क्योंकि वह ही बचाने वाला और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हाँ बच्चों, प्रार्थना में बड़ी सामर्थ्य है। भजन 66 के 20 में बाइबल कहती है, धन्य है परमेश्वर
जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। हाँ बच्चों, आप भी किसी भी विषय पर प्रार्थना कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला और हाँ और आमीन उत्तर देने वाला परमेश्वर है। बच्चों, ये जो वचन दिया गया है उसे आप लोग जरूर अब कंठस्थ कर लीजिएगा। ओके बच्चों, परमेश्वर इन वचनों को हम सब के लिए आशीषित करके दें। आमीन।